को फाइव क्लास ओपन योर फाइल्स पेज नंबर 35 लेसन नंबर 2 वर्ल्ड क्लाइमेट फिल इन द ब्लैंक्स अ प्लेस क्लोज टू द नॉर्थ पोल और द साउथ पोल इज वेरी कॉल्ड जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल के करीब जगह होती है वो बहुत सर्द होती है क्लाइमेट हैज़ अ ग्रेट इफेक्ट ऑन पीपल जो आबोहवा होती है उस बहुत ज़्यादा असर यानी कि साथ होते लोगों पर इन अ वार्म क्लाइमेट पीपल कैन टेक पार्ट इन आउटडोर एंड वाटर स्पोर्ट्स जब यानी कि मौसम गर्मा में गर्म क्लाइमेट गर्म आबोहवा में लोग आउटडोर स्पोर्ट्स यानी ज़्यादा खेलते हैं और वाटर स्पोर्ट्स सम क्रॉप्स वेल इन कोल्ड क्लाइमेट्स कुछ फसलें जो होती है वो सर्द क्लाइमेट में अच्छी उगती है वीट ग्रोज वेल इन माइल्डर क्लाइमेट जो वीट है वो गंदू जो है वो माइल्डर क्लाइमेट में अच्छी तरह से ग्रो होती है पीपल लिव इन अ ड्राई एरियाज बिल्ड हाउसेज विद फ्लैट रूफ जो लोग ड्राई एरियाज में रहते हैं वो फ्लैट रूफ बनाते हैं हवा की छत होती है वर्ल्ड मैप शोज द मेजर क्लाइमेटिक जोन ऑफ द वर्ल्ड जो वर्ल्ड मैप है वो क्लाइमेटिक जोन दिखाता है दुनिया के पाकिस्तान लाइज टू द नॉर्थ ऑफ द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पाकिस्तान ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नॉर्थ में वाक़ है द हॉटेस्ट मंथ इज़ यूजली जून जो सबसे गर्म तरीन महीना है वो जून का है द क्लाइमेट इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाई मैनी थिंग्स क्लाइमेट अब वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें जो है बहुत यानी कि असर होते हैं उनकी जैसे हवा बारिशें फिर यानी कि तेज़ हवाएं वगैरह जो वो साइक्लोन्स वगैरह होते हैं उनके असर होते हैं अच्छा अब आप लोगों ने क्या करना आप लोग ब्लैंक्स याद करनी है ठीक है।